पर अजमेर से है जहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लगातार जारी है। खाद्य सुरक्षा और ड्रग विभाग की कार्रवाई विजयनगर में हुई है। विजयनगर में घी तेल के होलसेल विक्रेता के प्रतिष्ठान पर छापा मारा गया है। 150 लीटर नकली घी और 100 लीटर पाम ऑयल जब्त किया गया है, सीज किया गया है। मिठाई विक्रेताओं ने के नमूने तक उठाए गए हैं, मिठाई विक्रेताओं के पसीने छूट रहे हैं खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि लगातार आप देखिए खाद्य सुरक्षा नियम के तहत होने वाली इस कार्रवाई में मिठाइयों के सैंपल मावे में दूध में जब नकली सामग्री जब्त हो रही है, नकली मावा जब्त हो रहा है, तो सवाल भी गंभीर खड़े हो रहे हैं। कल आप देखिए नकली दूध पर कितनी बड़ी कार्रवाई की गई थी। दौसा में यह बड़ी कार्रवाई हुई थी, 50,000 लीटर हर दिन जयपुर तक नकली दूध का कारोबार चलता है। इतनी तादाद में लोगों को सिंथेटिक ये सफेद जहर मिल रहा था। इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। और अब खाद्य सुरक्षा, जो मिठाई की दुकानें हैं, घी के सैंपल लिए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, क्योंकि त्योहार का वक्त है। हमारे सहयोगी नवीन वैष्णव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, शुद्ध के लिए ये जो युद्ध अभियान है लगातार जारी है, अजमेर में किस तरीके की कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जो खाद्य सुरक्षा और ड्रग कंट्रोल की टीम है, ये लगातार शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत जगह जगह दबिश दे रही है और छापामारी की कार्रवाई कर रही है। इस टीम ने जो विजयनगर की एक शॉप है जो होलसेल में घी और तेल बेचने का काम करती है, इस दुकान पर जब छापेमार की कार्रवाई की गई तो यहाँ पर जो 150 लीटर घी ऐसा पकड़ा गया कि जो हुबहू सरस की घी जैसी पैकिंग में बेचा जा रहा था। लेकिन जब इसकी एमआरपी रेट देखी गई तो उस पर 600 रुपए थी और इसे 356 रुपए खरीद में किया जा रहा था। ये जब देखा गया तो खाद्य सुरक्षा के जो अधिकारी है सुशील चोटवानी, उन्होंने कहा कि इसकी जब जांच की गई तो सामने आया कि लगभग ये नकली की प्रतीत हो रही है। फिलहाल इसे नकली नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे इस सैंपल लेके और लैब में जांच करवाई जाएगी। वही उन्होंने कहा कि जो एक रिफाइंड पाम ऑयल भी यहाँ पर मिला है उसका भी सैंपल उठाया गया और इसका जो 100 लीटर पाम ऑयल है इसे भी सीज कर दिया गया है। उक्त जो दुकानदार था उसे फिलहाल पाबंद किया गया है कि ये पाम ऑयल और घी को नहीं बेचे, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं नन्नी की जो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम है वो लगातार जगह जगह से सैंपल उठा रही है और इन सैंपल में कहीं अमानक या जो नकली सा प्रतीत होने वाले है या जो लोगों की सेहत को बिगाड़ने वाले सैंपल है उनकी टेस्ट रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और न्यायालय में उनके खिलाफ चालान भी पेश किए जा रहे हैं। जी जी नवीन, जाहिर तौर पर जिस तादाद में अब तक नकली दूध भी दौसा में और जयपुर में बरामद हुआ, नकली दूध का कारोबार करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया, कई चौंकाने वाले खुलासे इस युद्ध शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में देखने को मिल रहे हैं। कई बार क्राइम ब्रांच की टीम को भी कार्रवाई करनी पड़ रही है, फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट लगा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि जब त्यौहार आता है तब खाद्य सुरक्षा की टीमें अलर्ट हो जाती है, लेकिन पूरे साल जो धांधलेबाजी लोग करते हैं उसके भी खुलासे इसी तरीके से होने चाहिए। शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अजमेर में खाद्य सुरक्षा और ड्रग विभाग की कार्रवाई हुई है, विजयनगर में घी और तेल के होलसेल विक्रेता के प्रतिष्ठान पर छापा पड़ा है और 150 लीटर नकली घी और पाम ऑयल जब्त किया गया है।